अभी रास्ते में से लोग हमारे को हॉर्न मार रहे हैं क्या यार। मैं बोल ही रही थी उस टाइम। What's up guys, welcome back to yet another video। हम लोग इस टाइम आइसलैंड में हैं। This is so beautiful and by the way that is our motor home। आइसलैंड के चारों तरफ एक रिंग रोड है और आप रोड ट्रिप कर सकते हो उस रिंग रोड पे। लोग अपनी कार पे भी करते हैं। हम लोगों ने मोटर होम रेंट करी है। देयर इज नथिंग लाइक दिस कि आप जहाँ दिल करे वहाँ रोक दो। एंड नाउ लेट मी शो यू हाउ दिस मोटर होम लुक्स लाइक। इसका टूर देता हूँ मैं आपको मोटर होम का। सॉरी थोड़ी बरसात हो रही है, क्विकली चलते हैं। सो यस, सो आइसलैंड के चारों तरफ ही रिंग रोड है। सो हम लोग इस रिंग रोड का पूरा एक चक्कर लगाने वाले हैं और पूरा आइसलैंड घूमेंगे अगले कुछ दिनों में अपनी इस मोटर होम पे। ऑलराइट गाइस, अंदर चलते हैं और मैं अंदर से देता हूं आपको इस मोटर होम का टूर। यू हैव टू डांस बिफोर यू गेट इन फ्रॉम द कारपेट। यू हैव टू कीप मूविंग योर फीट लाइक दैट। या या ऑलराइट, सो आज की ड्राइवर है साक्षी। हेलो, एंड दिस इज माय सीट एंड दिस इज साक्षी सीट एंड दिस इज द कॉकपिट ऑफ दिस मोटर होम। ओके, ये जो दो सीटें आगे वाली ड्राइवर वाली और पैसेंजर वाली ये पीछे घूम जाती हैं क्योंकि यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है एंड यू कैन हैव अ नाइस फैमिली डिनर। एंड देन दिस बॉटम थिंग ये भी खुल के बड़ा हो जाता है। खुल के दिखाओ। आ हां, खुल इट नाउ। और ये आपका बड़ा सा टेबल बन जाता है और ड्राइवर वाली सीट घूम जाती है। सो दैट्स हाउ यू कैन हैव योर ऑल रियली नाइस फैमिली डिनर। और डिनर बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किचन की, जो कि है उसके जस्ट पीछे। इस किचन में आपके पास है तीन चूल्हे। चूल्हे के पास में आपका एक छोटा सा सिंक और ये ड्रॉअर जिसके अंदर आपके सारे चाकू का प्लेट वगैरह वगैरह। ऊपर भी कुछ स्टोरेज दिया उन्होंने। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। एंड दिस है और यहाँ पे है आपका फ्रिज। इस फ्रिज की खास बात यह है कि ये फ्रिज आपका बिजली से भी चलता है, बैटरी पे भी चलता है और प्रोपेन पे भी चलता है। दोनों खत्म हो जाए तो एटलीस्ट आपका प्रोपेन का टैंक हो, आप उस पर चला सकते हो। हम लोगों ने एक ग्रोसरी का राउंड लगा लिया था एंड दिस इज व्हाट वी बॉट। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द बेडरूम सेक्शन। दिस इज आवर वन बेडरूम। यहाँ पे दो लोग सोते हैं। ये वाला जो बीच वाला सेक्शन है ये इधर आ जाता है, ये नीचे से खुल जाता है। सो ये एक प्रॉपर बेड बन जाता है यहाँ पे। सो दैट्स वन बेड टोटल। इसमें चार लोग बहुत आराम से सो सकते हैं। एक और जो बेड है इसके अंदर वो यहाँ पे है ऊपर। इसको ऐसे करके, गाइस वॉच आउट। तो ये दो ऊपर वेलक्रो वो लगे हुए, क्लिप्स लगे हुए, इनको क्लिप्स को खोल दो एंड देन पुल इट डाउन लाइक दैट। और ऊपर इसके सीढ़ी भी है, ठीक है, ये आ गया। और ये सीढ़ी भी है, इस सीढ़ी को यहाँ पे लगा के आराम से ऊपर जाके सो सकते हो। ओह, वापस ही कैसे जाएगा, दो बंदों की ताकत चाहिए। ये ऊपर चला जाएगा फिर यहाँ पे जो क्लिप्स लगे हुए हैं। ओह यस, I have to show you the bathroom. The bathroom is also very nice. So जो main bedroom है, bedroom के just साथ में ये door है आपका. This is the bathroom. You have to pull the shower. Yeah. और यहाँ पे छोटा सा sink लगा हुआ है आपके. That. ये हो गया washroom. और washroom के just और ये जो washroom का दरवाजा है ये आपका bedroom का दरवाजा भी बन जा रहा है। इसको आपने ऐसे बंद कर दिया. So now ये आपका पूरा बेडरूम बन गया। और जब आपको इसको बंद करना, सो द
तो ये खुल जाता है एंड दिस इज योर शावर विथ नो शावर फ्लोर बेसिकली ये फ्लोर यहाँ से हट जाती है मैं दिखाऊंगा ये हट जाती है आपकी एंड दिस ओपन्स अप एंड यू हैव योर ओन फुल शावर ऑलराइट गाइस सो ये था हमारी छोटी सी जो आरवी है इसका टूर बहुत डिफरेंट है यहाँ पे हर चीज़ ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती वोल्केनोज और उसके अलावा ब्लैक सैंड बीच डायमंड बीच क्या क्या चीज़ें हैं सो वो सब हम इन 7-8 दिनों में जो हम लोग यहाँ रहने वाले हैं वहाँ पे हम लोग करेंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना ब्यूटीफुल आइसलैंड और आज हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे देखा यहाँ पे एक कोई लावा केव्स हैं बेसिकली जब मैग्मा फ्लो करता है लावा बाहर निकलता है तो टनल बना के अलग अलग रस्तों से बाहर निकल जाता है जो सो बेसिकली वैसे ही एक यहाँ पे एक टनल बनी हुई है ये रास्ता है उसका जिसमें आप अंदर जा सकते हो टनल में आई डोंट नो वेदर दिस इज़ अ गुड आइडिया और बैड आइडिया क्योंकि हमारे पास में कोई गाइड नहीं है सो वी आर नॉट फीलिंग वेरी एडवेंचरस टुडे वी आर नॉट थिंकिंग कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा दूर तक जाएंगे टनल में स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्योंकि वो रिकमेंड करते हैं कि नो आपके पास गाइड होना चाहिए बट हम लोग यहाँ से एक्चुअली निकल रहे थे और मैप में मुझे दिखा सो वी थॉट अभी लास्ट मिनट ये तो नहीं सोच सकते कि हमारे को पहले गाइड मिले हम तभी जाएँ सो वी आर गोना गो एनीवेज Going inside a lava cave. This lava cave was formed 2000 years ago. और उसके बाद 1000 साल पहले भी यहाँ से लावा निकला था. So this is very very old. क्यों अंधेरा है बहुत. You're going? Yeah. Sam, be careful, very careful, buddy. ये काफी अंदर है ये कई किलोमीटर तक है अंदर एंड आई डोंट थिंक आई वोंट रिकमेंड यू गोइंग देयर आई एम गोइंग फॉर यू आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू गो बट मैं फिर भी अकेले जाता हूं मैं थोड़ा सा आगे तक होके आता हूं फिर इसको पकड़ियो कैमरे को कहां तक जाओगे जहां जहां मेरे को दिख रहे हो वहीं तक जाना बस ओके ओके यहां पे ऐसे बेवकूफी वाला काम भी नहीं करना चाहिए कि बिना सोचे समझे जहां तक मतलब वहीं तक ही जाऊंगा जादू ही जाना मैं ये रास्ता मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप और ऊपर मत करो पता लगे ऊपर वाला पत्थर ही नीचे आगे गिरे क्या नहीं है कुछ खास मतलब बहुत अंधेरा है यार वी नीड इक्विपमेंट हमारे को टॉर्च वॉर्च चाहिए तो जा भी सकते हैं बट बहुत अंधेरा है यानी इतना अंधेरा कभी नहीं देखा होगा बहुत डीप और अंधेरा है यार मतलब इक्विपमेंट चाहिए प्रॉपर हमारे को उसके बिना तो समझदारी वाली बात नहीं है और यहाँ नॉर्मली वो आते हैं गाइडेड टूर्स आते हैं यहाँ पे बट उसके लिए फिर बुक करना पड़ता है हम तो ऐसे ही निकल रहे थे यहाँ से हमने कहा चलो अंदर चल के देखते हैं क्या तो ये दोनों बनी हुई है इस तरफ भी है और इस तरफ भी है इधर देखो यार क्या हालत है हाँ ये यहाँ से लावा निकला था ना ये यहाँ से पूरा लावा यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है लुक एट दिस लैंडस्केप इससे सुंदर लैंडस्केप देखा है लाइक वाओ जस्ट दिस कलर लुक एट जस्ट दिस कलर दिस लाइट ग्रीन कलर जो मॉस लावा रॉक के ऊपर पूरी मॉस है सो पीछे एक पहाड़ है ब्यूटीफुल एंड देन देयर इज नोबडी एल्स There is nobody else here. Nobody else. And this is free. This is totally free. What? Wow. And just breathe the air. Like it's so fresh. That must take 7 years to grow. Yes. अब हम लोग जा रहे हैं अपनी पहली कैंप साइट पे पहली रात स्टे करने आरवी में सो यहाँ पे आपको कैंप साइट का फंडा मैं पहुंच के बताता हूँ यार मैं क्या कहते हैं है?
लो जी हमारे को लोग हैं सही में हाँ। क्या यार ये बिल्कुल ना कौन से वाला सिल्वर वाला जो यहाँ पर ये तो रहा एक और सिल्वर यार हमने आरवी ली थी और इसका डोर जो है ये डोर ख़राब है अभी रास्ते में से लोग हमारे को हॉर्न मार रहे हैं और हमारे हमने यहाँ पे सामान रखा हुआ था और सामान ही नीचे गिर गया ये तो हो गया अच्छा हो गया कि हमने टाइम पे देख लिया सारे बैग नहीं गिरे एक बैग अभी भी गिर गया रास्ते में मुझे लग रहा है ना क्या यार मैं बोल ही रही थी उस टाइम भी आपने सीरियस नहीं लिया कि बैग गिर सकते हैं यहाँ से अभी सारे बैग अंदर रख लेते हैं अभी फिलहाल जाएंगे कैसे जाएंगे एक बार उसी रास्ते से जिससे आए वापस जाते हैं और क्या पता बैग दिख जाए वो जो बंदा वहाँ हॉर्न मार रहा था वहीं पे क्या पता गिरा पड़ा हो चलो इसको तो रखे अंदर रखते हैं फिर इसको ये वाला जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा गाड़ी चलते चलते खुल गया इसमें हमारा सारा लगेज पड़ा हुआ था और रास्ते में लोग हमें हॉर्न मार रहे हैं हमें समझ नहीं आया हुआ क्या है और रास्ते में एक बैग गिर गया एक फिर एक बंदे ने हमारे को क्रॉस किया और उसने हमें बताया कुछ तो ऐसे इशारा किया पीछे मैं कहा मैं यहाँ रोकता हूँ जैसे मैं यहाँ ये मैं आइकिया का एक पार्किंग लॉट है मैंने यहाँ पर आके गाड़ी रोकी और देखा एक बैग यहीं पर ही मोड़ते हुए गिर गया अब हमें वापस जाना पड़ेगा और देखते हैं कि हमारे को जो रास्ते में हमारा बैग गिरा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस कैसे पता चलेगा हम कहाँ से गए हैं जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से चलते हैं क्योंकि यहाँ तो था हमारा वो बैग पक्का उसी बैग में से मैंने रेन जैकेट्स और ग्लव सब निकाल ले तो मेरे कहने का मतलब हाईवे की इस तरफ कैसे जाएंगे वापस या तो जाके फिर वापस आएंगे उस रास्ते और क्या करेंगे तो उसी का डालूं फिर मैं एड्रेस नहीं वो बैग तो नहीं लग रहा हम इधर से आए थे किधर से आए थे तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और हाईवे के ऊपर हॉर्न मारा था हमारे को किसी ने अभी ढूंढते हुए जा रहे हैं कि हमारे को शायद रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए हमारा बैग रेड लाइट पे ही हॉर्न मारता जो हम कहते हैं यार क्या है इससे वेट नहीं हो रहा है सो हम लोग वापस उसी जगह पे आ गए यहाँ पे हम लोग एक केव में गए हुए थे वापस वहाँ तक आ गए क्योंकि यहाँ से हम लोग चले थे और यहाँ पे पड़े होने की उम्मीद बहुत कम लग रही है क्योंकि पीछे वो बंदे ने जो हॉर्न बजाया था ना हमारे को वो इसीलिए बजाया होगा क्योंकि वहाँ पे गिरा होगा हमारा बैग है क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी सड़क है ये आगे से यू टर्न भी नहीं ले सकेंगे हम लोग वहाँ जो लावा टनल पे गए थे वहाँ से अब हम वापस आ चुके हैं वापस हाईवे पे और जितने भी यहाँ पे एग्जिट है या फिर जहाँ पे गाड़ी यहाँ पे ना हर जगह पे वो है आपके गोल चक्कर बने हुए राउंड अबाउट तो हो सकता है हम लोगों ने कहीं टर्न लिया और वहाँ पे वो नीचे गिर गया हो सो बेसिकली वही हमारा प्लान है फिलहाल नजरें गड़ाए हुए सड़क पे देख रहे हैं शायद रास्ते में मिल जाए कहीं ना कहीं उसके बाद से तो मैं डोर देखती ही रही थी अगर उसके बाद कुछ गिरा होता तो पता से उसी आइकिया स्टोर पे आ गए हैं जहाँ पे यू टर्न लेते हुए हमारा बैग सेकंड वाला बैग गिरा था पहला बैग तो फिर हमारा गुम ही हो गया और उसमें काफी सारी हमारी सर्दी से रिलेटेड चीजें थी हमारे बच्चों की रेन पैंट थी मेरी रेन पैंट थी अच्छा हाँ रेन पैंट थी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते गुम गया तो गुम गया अब हमें यही करना पड़ेगा कि चीकू के जो भी हमारे को लगता है उसमें मिसिंग चीजें थी वो हमारे को फिर दोबारा खरीदनी पड़ेंगी और क्या कर सकते हैं हम अभी अगर हम निकलते हैं तो 9:15 बजे पहुंचेंगे कैंपिंग साइट ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है लेट्स जस्ट लीव लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट बैग
बैग भी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू, भी आने से जस्ट पहले हम लोगों ने वो बैग खरीदा था, आने से एक दो दिन पहले। तो वो बैग हमने जस्ट अभी लिया था थोड़े दिन पहले। एनीवेज ये चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अभी एक बारी कैंपिंग साइट पे पहुंच जाते हैं, कल सुबह मैं उनको फिर फोन करूंगा इनको कि यार क्या मजाक तुमने बना रखा है। बेसिकली वो दरवाजे को मैंने दोबारा चेक किया, लॉक कर दो फिर ओपन हो जाता है वो, लॉक करने के बाद भी। एनीवेज लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स चीयर अप। इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रैवल। बडी इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ बैग। मम्मा व्हाट माय बेबी चिट इन देयर? आई डोंट नो चिकू व्हाट वाज इन देयर। आई नो देयर वर सम क्लोथ्स एंड थ्री रेन पैंट्स इन देयर, रेस्ट आई डोंट नो। लेट्स जस्ट होप कि अभी हमारा लगभग 40 मिनट का पापा व्हाट इफ वी स्टिल फाइंड इट? Well, that will be a miracle if we can still find it. All right, हम लोग कैंप ग्राउंड में अपना सेटअप कर लिया, हमने गाड़ी पार्क कर लिया। सुबह आपको डिटेल में दिखाऊंगा, कैंप ग्राउंड में बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। सो हमारे साथ दिन में कई बड़ी छोटी गोचियाँ हो रही हैं। बड़ी तो आपको पता चल गई, हमारा जो पीछे वाला डोर है वहाँ पे लगेज पड़ा था, उसमें से एक लगेज हमारा नीचे गिर गया है और वो उसका डोर लॉक काम नहीं करता। और छोटी सी एक गोची ये हुई कि हम लोगों ने आज पिज्ज़ा ख़रीद लिया, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे और हमें लगा कि पता नहीं पूरा फुल कुक करने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोगों ने फ्रोज़न पिज़्ज़ा ले लिया। जब पिज़्ज़ा खोला तो ध्यान में आया कि इस गाड़ी के अंदर तो ओवन ही नहीं है इस आरवी में। इससे पिछली आरवी जो हमने कनाडा में रेंट की उसमें ओवन था। तो अब इम्प्रोवाइज कर किया साक्षी ने थोड़ा सा, एंड देन शी इज़ मेकिंग पैन पिज़्ज़ा। उसको ओवन में करने के बजाय रोटी की तरह सेक के खा रहे हैं। इटालियन से मैक्सिकन में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको डिश को, है ना। इटालियन पिज़्ज़ा से मैक्सिकन कैसे दिया, एंड देन दिस विल बी एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। ये है हमारा कैंप ग्राउंड जहाँ कल रात को हम लोग रुके थे। कल शाम से बरसात ही हुई जा रही है, तो पूरी रात को उस बरसात की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी थके हुए थे तो आगे तो हम लोग बस सो ही गए। आवाज़ थोड़ा आसपास देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे देखने का। काफ़ी डिफरेंट है, जैसे कनाडा में कैंप साइट होती है उससे तो काफ़ी डिफरेंट है। खैर ये वहाँ पे अलॉटेड स्पेस होते हैं, यहाँ पे इन्होंने आरवी के लिए तो अलग से ऐसे अलॉटेड स्पेस बना रखे हैं। बट आई थिंक अगर आपको अपना टेंट लगाना है उसके लिए वो एक ग्राउंड ही है इधर। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों के पास में ऐसे आरवी या ट्रेलर नहीं होते, लेकिन वो एयरबीएनबी पे इनको बुक कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे आके रात को रुक जाओ। अब फंडा ये है कि दिस इज़ सपोज टू बी अ ब्यूटीफुल कैंप ग्राउंड, ये पीछे पूरे पहाड़ हैं, लेकिन अभी ये हफ्ता पूरा ऐसा चल रहा है कि बादलों से पूरा ढका हुआ है सब कुछ, और यू नो देयर इज़ नो व्यू राइट नाउ। और बरसात भी हल्की फुल्की चालू है। यहाँ पे आपको ना यहाँ के कैंप ग्राउंड थोड़े ऐसे डिफरेंट होते हैं, जैसे हम लोग कनाडा में हम लोगों ने बहुत कैंपिंग की है, तो यहाँ पे किचन बनी होती है कैंप ग्राउंड्स में जो कि कनाडा में नहीं होती। वो क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ। सो एक सेंट्रल एक बिल्डिंग में वॉशरूम्स बने हुए हैं और किचन बनी हुई है। अच्छा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मिल जाता है, जैसे ये गाड़ी कनेक्टेड है और ये लगा हुआ देखो जैसे। सो इलेक्ट्रिक आउटलेट मिल जाता है, जितनी भी आरवी होती है इसमें 220 वोल्ट का इनपुट होता है, आप वो कनेक्ट कर लो तो अंदर आपके जो भी पावर प्लग्स वगैरह लगे हुए हैं उनमें करंट आ जाता है, और आपका फ्रिज हो गया और एयर कंडीशनिंग होगी, हीटिंग हो गई, वो फिर सारी आपकी बिजली से चलती है। अदरवाइज बैटरी पे भी, हमारी कल से बैटरी पे चल रहे हैं, हमने ली नहीं क्योंकि बैटरी फुल थी। तो आरवी वालों ने एक हमारे को ऐसे कपड़ा सा दिया था जो आगे आप विंडशील्ड पे लगा दो, थोड़ी आपकी प्राइवेसी हो जाती है, अंदर दिखता नहीं है। ओके नाउ लेट्स गो, इनका देख के आते हैं किचन। अच्छा ये पानी की पाइप लगी हुई है, तो हर इसके अंदर आरवी के अंदर टैंक लगे होते हैं साफ पानी के, तो वो यहाँ से आप आराम से भर सकते हो। और वैसे यहाँ का पानी
पीने लायक होता है। सारा पानी यहाँ पे ऐसे होता है जो कि फ्रेश होता है क्योंकि ग्लेशियर से आता है मोस्टली पानी, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट हमारा आरवी वाला बंदा यही सजेस्ट कर रहा था, अगर आप आरवी में ट्रैवल कर रहे हो, खासकर रेंटल आरवी में, आई वुड सजेस्ट कि तुम बॉटल वाटर पी लो। रीज़न कि पता नहीं होता ना लोगों ने कैसे हाथ लगाए होते हैं नलके को और अंदर कितनी डर्ट होती है आपसे पहले जिसने यूज़ किया, पता नहीं अच्छे से रिंस होता है कि नहीं होता। तो ये है इनकी किचन, सो दिस इज़ देयर कम्युनिटी किचन। अगर आप टेंट लगा के कैंपिंग कर रहे हो या आप अपने आरवी के अंदर मोटर होम के अंदर आप चाहते हो कि आपको कुकिंग नहीं करनी, सो ये पूरी कुकिंग फैसिलिटी है यहाँ पे। सो इवन पिकनिक बेंच भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, और ये इनका सारा है पूरा स्टोव वगैरह पड़ा हुआ है, कॉफ़ी मशीन है, और फिर यहाँ पे अपने बर्तन वर्तन धो सकते हो। ये सब सामान होता है जो लोग अपना पुराना वराना बचा बचा होता है वो यहीं सब छोड़ जाते हैं, अगले लोगों के काम आ जाता है। फिर किसी दिन मौसम अच्छा हो तो आप यहाँ बाहर बैठ के भी खा सकते हो आराम से। ये साथ में यहाँ पे लोग अपना टेंट सेटअप कर रहे हैं, ये सारा टेंट वाला एरिया है। फिर एक यहाँ पे इन्होंने कोयले वाली एक बारबेक्यू भी रखी हुई है, यहाँ पे आप कर सकते हो, कुक कर सकते हो अगर आपको मौसम अच्छा है बाहर करना है। ऑल द गार्बेज। और फिर अगर आप आरवी में हो और आपको डंप करना है आपका, तो दो तरह का वाटर होता है, ग्रे वाटर और एक ब्लैक वाटर। ब्लैक नॉर्मली टॉयलेट का होता है और ग्रे इज़ लाइक योर जो किचन और वॉशरूम में जो आप हाथ वाथ धो रहे हो वाला पानी होता है। सो वो यहाँ पे पीछे ऐसे डंपिंग स्टेशन हैं। आज हमारा भी फुल नहीं है वैसे, आई थिंक 25% मार्क पे है हमारा, तो हो सकता है आज इसको शायद यूज़ ना करें, नेक्स्ट कैंपिंग साइट में करें। बट गुड टू नो ये ऑप्शन ईजिली अवेलेबल होती है हर कैंप ग्राउंड में। ऑल राइट, सो अभी बच्चे सोए हैं, अभी उनको उठाते हैं, उनको अपनी सीट पे बिठाते हैं और निकलते हैं अगले पड़ाव के लिए।